गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ तनवीर अहमद और वेलकम यू ऑल फॉर टुडे ऑनलाइन लर्निंग क्लास। इन दिस पार्ट वी विल कवर द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। तो लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। ओके, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं क्या बताना चाह रहा है एनसीईआरटी। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्शन ऑफ ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ए वाटर। 2H2O plus O2 gives 2H2O. Okay, the ABB reaction indicates that the two molecules of hydrogen combined with one molecule of oxygen to form a two molecules of water. It means that second point, 4 units of hydrogen molecules combined with a 32 units of oxygen molecules to form a 36 grams of a water molecule. तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा है। साथ साथ वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स और द नंबर ऑफ मोल्स, बट ए केमिकल रिएक्शन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। देयरफॉर इट इज मोर कन्वीनियंट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स रादर देन देयर मासेस। सो ए न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 1 mole ऑफ एन एनी स्पीसीज। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं तो उसमें हम देखते हैं मास और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। एक्चुअली में हमारे लिए कन्वीनियंस ये होगा कि जहाँ पे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर बात की जाए तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में ही जिक्र करें तो बेहतर होगा हम लोग उसको समझने में, ठीक है ना। तो उस चीज़ उस बातें को समझने के लिए एक और यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आपकी कितने अमाउंट ऑफ आपके सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक और यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज़ कॉल्ड कहलाया मोल। व्हाट द मीनिंग ऑफ मोल, मोल क्या है? मोल इज नथिंग बट ए नंबर, जस्ट लाइक द 1 dozen, dozen इज ऑल्सो ए नंबर दैट गिव्स 12 units। उसी तरह अगर मैं बात करूँ किसी बड़े नंबर को अगर हमको क्या कैलकुलेट करनी है तो उसको एक पार्टिकुलर उसकी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है कि हाँ 1 million, 1 billion, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना 1 million इज इक्वल टू 10^6, 1 billion इज इक्वल टू 10^8, है ना। दिस आर द एग्जांपल, सॉरी 1 billion इज इक्वल टू 10^9। तो ये आपका क्या बता रहा है आपको कि ये किसी के पार्टिकुलर होने का, जैसे 1 million होने का मतलब यूनिट बता रहा है कि हाँ इतनी होगी तो ये 1 million होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ 1 mole की बात आ रही है, तो 1 mole इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 6.022 इंटू 10^10 एक्सपेरिमेंटली बनाया गया। तो देखा गया कि 1 mole की जो तुम्हारी क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 6.022 की थी, ठीक है। नंबर ऑफ मैंने आपको अभी भी फिर से मैं बता रहा हूँ कि मोल इज नथिंग बट ए नंबर्स। तो आप मैं 1 by 1 आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स बनी हुई है, उसके द्वारा काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ। 1 mole ऑफ अ कार्बन एटम, वट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इज 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे और इतने ग्राम ऑफ कार्बन्स होंगे, इसका मतलब ये हुआ। 1 mole ऑफ हाइड्रोजन मीन्स इतना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 gram ऑफ हाइड्रोजन एटम। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ 1 mole ऑफ एनी पार्टिकल, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कंटेन नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स, मतलब 6.022 इंटू 10^23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल्स, मतलब किसी के 1 mole का इतना पार्टिकल दिया हुआ है तो इसमें इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन द ग्राम, मतलब कि किसी भी पार्टिकल्स का अगर रिलेटिव मास दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग 1 mole का इतना मास होगा, ठीक है। 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स क्या हो रहा है कि इतना 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे कह सकते हैं जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का 1 mole का मास होगा उसको मास इन ग्राम हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो बोला गया मॉलिक्यूल्स आयन एंड पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और ए मॉलिक्यूलर मास इन ए ग्राम। तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि यहाँ पर बोला गया 1 mole ऑफ एनी स्पीसीज एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स पार्टिकल is that quantity in number having a equal mass equal to the atomic or a molecular mass in gram, ठीक है। साथ साथ बोला गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो पार्टिकल में क्या क्या आएंगे, एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे और आयंस। प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड, जो कि वो फिक्स होती हैं विद ए वैल्यू ऑफ 6.022×10^23, जो आपकी वैल्यू फिक्स होंगी वहाँ। ठीक है, अब थोड़े और इसको अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद बोला गया दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्टेन्ड वैल्यू, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट और एवोगाड्रो नंबर, नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगाड्रो, उनके नेम पर ये नंबर को रखा गया जिन्होंने फाइंड किया था एक्सपेरिमेंटली कि वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स आयंस मस्ट बी इक्वल टू 6.022×10^23 इन नंबर्स। तो वन डजन इज इक्वल टू 12 नोज एंड वन ग्रॉस इज इक्वल टू 144 नोज। बिसाइड बींग रिलेटेड टू द नंबर, ए मोल हैज अ वन मोल एवरेज एडवांटेज ओवर ए डजन और ए ग्रॉस। दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ वन मोल ऑफ अ पार्टिकल सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि वन डजन जिस तरह से फिक्स होती है कि हाँ वो 12 ही होंगी, सेम कंडीशन में वन मोल की बात करूँ अगर तो वन मोल भी जो वैल्यू होगी जो एवोगाड्रो ने एक्सपेरिमेंटली निकाला था वो 6.022×10^23 दैट इज कॉल्ड विच इज ऑल्सो फिक्स्ड। द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटमिक और ए मॉलिक्यूलर मास इन ए ग्राम, मतलब कि वन मोल का जो मास उसके रिलेटिव में होगा दैट इज कॉल्ड कहलाएगी वो वन मोल ऑफ पार्टिकुलर मास पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिवन गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक एटम का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड वो क्या कहला रही है, एटॉमिक मास कहला रही है। टू गेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास। अब किसी भी मान लो कि एक मॉलिक्यूल्स का मास निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, वन मोल ऑफ एटम्स का अगर मास निकाल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कहलाएगी वो मोलर मास कहलाएगी। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम यू टू जी, वहाँ पे क्या करेंगे यूनिफाइड मास यू से अगर डिनोट कर रहे हैं तो यूनिफाइड मास या फिर जी से ग्राम में डिनोट करेंगे इसको। मोलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज द ग्राम एटमिक मास, मतलब मोलर मास को हम लोग ग्राम एटमिक मास भी कहते हैं कि एक ग्राम एटम का क्या मास होगा, ठीक है ना। जिस तरह से हाइड्रोजन की बात की जाए तो वन यूनिट मतलब यू आपके यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही क्या कर रही है वहाँ पे यूनिफाइड मास को बता रही है वो। सो ग्राम एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज वन ग्राम, द वन यूनिट हाइड्रोजन हैज ए ऑनली वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज ए वन मोल ऑफ एटम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक यूनिट हाइड्रोजन का मास ले लें तो इसका मतलब वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज ए वन एटम्स, एक ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स वन मोल ऑफ एटम्स। साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगर ऑक्सीजन के बारे में जिक्र करूँ, पहले तो इसको कंप्लीट कर लूँ आपको, दैट इज 6.022×10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इफ यू विल कंसिडर अबाउ द ऑक्सीजन एटम then we can write that 16 unit of oxygen has only one atom of oxygen, 16 gram of oxygen has only one mole of atoms, that is equal to 6.022×10^23 atoms of oxygen. It means one mole of atoms contain 6.022×10^23 atoms of oxygen. To find the gram molecule mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value that same एज द मॉलिकुलर मास। जिस तरह से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी को ग्राम में निकालना है, जिस तरह से हम लोग मॉलिकुलर मास को निकाला उसको ग्राम में सिंपली लिख देंगे, बट सिंपली द चेंज द यूनिट ऑफ ए फ्रॉम यू टू जी, इसको सिंपल हम लोग क्या करना है, जहाँ यू लिख रहे हैं तो वहाँ पे जी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास ऑफ ए H2O इज 18 यूनिट फ्रॉम ए हेयर वी स्टैंड अंडरस्टैंड दैट द 18 यूनिट वाटर हैज ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18 unit of water has a only one molecule of water.